हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर हिंदी सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड फिफ्थ। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, ईदगाह के बारे में पढ़ा था। तो कि जो हामिद था उन्होंने क्या लिया था, चिमटा लिया था। और सभी लोग जो मोहम्मद एंड मोहसिन एंड सभी जो लोग जो वो सब थे वो उन लोगों की हामिद की मजाक उड़ा रहे थे। तो हामिद ने भी उनको रिटर्न जवाब दे दिया था कि मेरा चिमटा कैसा है, शेर जैसा है, और तुम लोगों का खिलौना जो है वो तो कुछ नहीं है मेरे चिमटे के आगे, और मेरा जो चिमटा है वो तो शेर है ऐसा कहा था। और आगे क्या है कि चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं। नौ कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है, बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। सभी जो बच्चे थे वो लोग ये जो चिमटा देखकर उन लोगों को भी इच्छा हो गई कि हमें भी चिमटा लेना है। पर वो क्या करते, उनको तो उनके पास जो सारे पैसे थे वो तो उन लोगों ने खिलौने लेने में और खाने में उड़ा दिए थे। अब तो किसी के पास भी कोई भी पैसा नहीं बचा था। अगर जो वो लोग बोल रहे थे कि 9 भी बज गए, अब घर भी जाना है, अगर जो बाप से जिद करेंगे फिर भी हमें चिमटा मिलने वाला नहीं है। और वो लोग बोल रहे थे कि जो हामिद है वो बड़ा बदमाश है, क्योंकि उन्होंने पैसा बचा कर रखा था। अब बालकों के दो दल हो गए, एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियां बिस्ती के छक्के छूट जाए, मियां सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर वह यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तन में हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। सभी लोग क्या बोल रहे थे, जो उन लोगों का दो दल हो गया, मतलब दो ग्रुप हो गए, एक मिट्टी वाला ग्रुप और दूसरा लोहे वाला ग्रुप। तो मिट्टी वाला ग्रुप में क्या क्या था, तो उन लोगों ने जो बिस्ती ली थी, सिपाही लिया था, वकील लिया था, वो सब किसका था, मिट्टी का बना हुआ था। तो वो लोग सोच रहे थे कि अगर जो शेर आ जाए, मतलब शेर कौन था, चिमटा क्या था, शेर था, तो मियाँ बिस्ती के छत पे छूट जाएंगे। उन्होंने क्या लिया था, बिस्ती ली थी, तो वो लोग बोल रहे थे कि मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाएंगे, मतलब वो डर जाएंगे। मियाँ सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़कर भागे, जो सिपाही मिट्टी का बना हुआ था तो वो भी उनके कंधे में क्या था, बंदूक थी, तो वो भी बंदूक रखकर भागेगा। वकील साहब की नानी मर जाए, वकील जो था उनके हाथों में क्या था, तो उनके हाथों में क्या था, एक पोथी थी, तो उनकी अगर जो नानी मर जाती है फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती हैं। चौंगे मुंह छिपा कर जमीन पर लेट जाएगा, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमी, मतलब कि ये सभी को कुछ ना कुछ होते रहेगा, पर ये चिमटा कैसा है, एकदम बहादुर है, शेर जैसा है, उसे कुछ भी होने वाला नहीं है। कोई भी होना रत आ सकती है, फिर भी चिमटे को कुछ होने वाला नहीं है। ओके, मोहसिन ने एडी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा कर कहा, बिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। जो मोहसिन था अब उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने उनकी एड़ी जो थी वो चोटी की और बोला कि जोर लगाकर बोला कि ये जो तुम्हारा चिमटा है वो पानी तो नहीं भर सकता है ना। तो हामिद ने क्या कहा कि उन्होंने चिमटे को खड़ा सीधा किया और बिस्ती को एक डांट बताएगा अगर जो वो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा, बिस्ती का जो द्वार है उन पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, वह महमूद ने कुमुक को पहुँचाई, अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों में पड़ेंगे।
तो जो मौसी क्या लाया था, वकील लाया ना, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई कुछ होनारत हो जाए या फिर मोहित ने मतलब बोला कि तुम किसी से पकड़े जाओगे तो अदालत में आओगे और अदालत में बंदे बंदे फिरोगे और फिर क्या करोगे, जो वकील होता है उनके पैरों में पड़ोगे और उनकी हेल्प लोगे। तो हामिद ने क्या कहा कि हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरी ने अकड़ कर कहा यह सिपाही बंदूक वाला। तो हामिद जो था वो मोहसिन का जवाब नहीं दे सका क्योंकि उन्होंने ऐसा सवाल किया था कि अगर कोई हम पकड़े जाते हैं तो हमें वकील की हेल्प तो लेनी ही चाहिए। तो जो हामिद था वो बोल रहा था कि अगर हम मतलब कि हमें हमें पकड़ने के लिए कौन आएगा। तो जो नूरे थे उन्होंने क्या कहा कि ये जो सिपाही है वो हमें पकड़ने के लिए आएगा। हामिद ने मुंह चिढ़ा कर कहा यह बेचारा हम बहादुर रस्ते में हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागोगे पकड़ने क्या बेचारा। तो हामिद को गुस्सा आ गया। तो उन्होंने क्या कहा कि ये बेचारा हमें क्या पकड़ेगा, अगर ऐसा है तो लाओ कुश्ती कर लेते, देखते कि कौन भागता है और कौन नहीं भागता है। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में झलेगा। तो मोहसिन ने क्या बोला कि उनको उन्होंने नया सोचा कि तुम्हारा जो चिमटा है उनका जो मुंह है वो रोज आग में जलेगा क्योंकि चिमटा किस काम के आता है, तो हमारे जो रोटियां बनती है उनको उतारने के लिए काम आता है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा चिमटा का जो मुंह है वो रोज आग में जलने वाला है। तो उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, आग में कूदना बहुत कम नहीं है जो रस्ते में हिंद ही कर सकता है। तो मोहसिन को लगता था कि अब जो हामिद है वो कोई जवाब नहीं दे सकेगा, पर वो गलत, हामिद ने जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया कि आग में कौन कूदता है, तो जो बहादुर होता है वो भी कूद सकता है अगर किसी और का काम नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही किया कि जो बहादुर है वो आग में कूद सकता है अगर किसी ऐसे वैसे की बात नहीं है। महमूद ने एक जोर लगाया वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर चिखाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। तो महमूद ने क्या बोला कि जो वकील है वो किस पर बैठेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे क्योंकि वकील होते हैं वो तो कुर्सी पर ही बैठते हैं, और तुम्हारा जो ये चिमटा है वो क्या करेगा कि वहाँ जमीन पर कहीं पर भी वो पड़ा रहेगा। तो क्या आगे क्या होता है कि इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही कही है, पट्ठे ने चिमटा बावर चिखाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। तो ये जो मोमू था उन्होंने ऐसा किया कि तुम्हारा चिमटा तो कई जमीन पे भी कई पे भी कोने में पड़ा होगा। तो ये बात को सुनकर सम्मी और जो नूर थे वो भी बोलने लगे कि हाँ तुम्हारा जो चिमटा है वो तो जमीन पे पड़े रहने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता है, और हमारा जो सिपाही है वकील है वो तो कुर्सी में बैठेंगे और सभी की रक्षा भी करेंगे। तो हामिद को कई फड़कता हुआ जवाब न सुझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर चिखाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। तो हामिद ने क्या जवाब दिया कि मेरा जो चिमटा है वो कहीं जमीन पर नहीं रहेगा, वो क्या करेगा कि वकील साहब जहाँ कुर्सी पर बैठे होंगे ना वहाँ पर जाएगा और उनको जमीन से नीचे पटक देगा। कैसे नीचे पटक देगा, तो उनके पेट में उनका कानून डालेगा तो वो नीचे जो वकील साहब है वो नीचे गिर जाएंगे और मेरा चिमटा मतलब वो सिर्फ जमीन पर ही नहीं पड़े रहेगा, ऐसा काम भी वो करता रहेगा।
तो आपको समझ में आया कि ये वीडियो में हमने क्या देखा कि जो हामिद ने कई सवालों का जवाब उनको देना पड़ा था कि उनके जो फ्रेंड सर्कल थे वो कहीं ना कहीं कैसे मतलब कुछ भी सवाल वो करते रहते थे, पर हामिद जो था वो बड़ा होशियार था, तो वो भी कोई कम नहीं था। तो यही उन्होंने भी जड़ बात तोड़ जवाब दिया और सभी का मुंह बंद कर दिया था। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।